Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इडली के बचे हुए बैटर से झटपट बनने वाला सुपर टेस्टी, सुपर इजी और सुपर हेल्दी नाश्ता। तो इसे आप सुबह झटपट बना के अपने बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं। और पूरा देख रहे हैं आप, वेजिटेबल से भरा हुआ है, तो कितना हेल्दी होगा और कितना अच्छा होगा उनके लिए। और टेस्ट तो इसका पूछिए ही मत, कितना टेस्टी होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है, इस वाले कटोरी से मैंने 4 कटोरी चावल लिया है। और इसी कटोरी से 1+1/4 कटोरी मैंने ये उड़द दाल ले लिया है। और ये दाल मेरी छिलके वाली है, तो आप बगैर छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। और ये जो चावल है मैंने 4 कटोरी लिया है, आप इसे 3 भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, अब इसे हम 5 से 7 घंटे के लिए ऐसे भिगा देंगे, नहीं तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं इसे। तो ये मैंने जो उड़द दाल भिगाई थी तो ये फूल गया है और बर्तन जो है हमारा थोड़ा छोटा हो गया है। तो इसके छिलके जो है हम इस तरह से इसको रगड़ देंगे, इस तरह से सारे दाल को हम। तो अब ये भर गया है, अब इसको हम फेंक देते हैं। तो मैंने पानी इसका जो है वो निकाला है। इतने कम कम से छिलके इसमें रह गए हैं, कोई बात नहीं, इतना तो रह सकता है। अब दाल हमारा एकदम क्लीन हो गया है, इसको हम रखेंगे साइड में और पानी को हम फेंक देंगे। और अब बारी है हमारे चावल की। Thank you.
अब यहाँ हम एक दाल लेंगे और उसमें इस दाल को हम ऐसे डाल देंगे। तो हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से ये पिस जाए और इसे अब हम एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और जो हम जिस पतीले में इसको रखने वाले हैं खमीर बनने के लिए वो बड़ा ही साइज लेना ताकि खमीर जब बनने लगे तो इसमें उफान सा आता है वो बाहर ना निकले। सेम इसी तरह हमें सारे दाल को ग्राइंड कर लेना है। अब मैं आपको सारा अगर मैं ग्राइंड करके दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो अब मैं आपको चावल का भी बना के दिखा देती हूँ। चावल में पानी था इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अगर आपके चावल में पानी नहीं है तो आप ऊपर से पानी ले सकते हैं ताकि आपको ग्राइंड करने में दिक्कत ना हो। और जब भी आप ग्राइंड करें पहले दाल को ग्राइंड कीजिए और फिर चावल को ग्राइंड कीजिए, अंदर का सारा जो दाल लगा हुआ चिपका हुआ रहता है वो छूट जाता है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम सारा इसमें जब डाल देंगे तो इसको आपको साफ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसी तरह हम दाल और चावल दोनों ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। और ये मेरा लास्ट वाला है, मैंने सारा ग्राइंड कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से देखो थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया, सारा मिक्सर साफ हो गया। और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस वाले में हम इडली भी बनाने वाले हैं। डोसे के लिए थोड़ा पतला भी चलता है, मैं इसका डोसा और इडली दोनों बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इसका थिक बैटर रखा है। जब इसमें खमीर अच्छे से बन जाएगी फिर मैं इसमें पानी मिलाऊंगी डोसे के लिए। इडली के लिए तो ये परफेक्ट है। इतना खाली है ये, इतना सारा खाली है तो इसके लिए इतना बड़ा परफेक्ट है। तो आप भी जब भी बनाइए कोशिश करिए कि बड़ा ही पतीला में रखिए, नहीं तो खमीर जब बनने लगता है तो उफान से पूरा बैटर जो है बाहर आ जाता है। तो अब इसे हम ढक देंगे एक प्लेट से। अब इसे ओवरनाइट या अगर आप दिन में ग्राइंड करते हैं सुबह के टाइम तो पूरा दिन इसको ऐसे ही रहने दीजिए, शाम को आप डोसा इडली जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो देखिए बैटर में बहुत अच्छे से खमीर भी बन गया है और इसकी क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि जो ऊपर का लेयर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि पूरे में हमें वेजिटेबल नहीं मिलाना है। और एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूंगी मैं इसमें और बारीक कटा हुआ प्याज और यहाँ पे मैंने एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और मैंने हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं और वेजिटेबल भी आपके पास अगर नहीं है जो भी है वही डाल दीजिए, स्किप कर सकते हैं आप। हरी मिर्च में थोड़ा सा मैं भी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गाजर को इस तरह छोटा छोटा ग्राइंड कर लिया है, ग्रेट कर लिया है गाजर को और गाजर भी मैं इसमें अच्छे से डाल दूंगी। तो दबा के वेजिटेबल डालिए, इतना टेस्टी ये लगता है ना गाइस कि बच्चे आपके बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, सारा फिनिश करके आएंगे। नमक मैंने पेस्ट में भी डाला था और थोड़ा सा हम डाल लेंगे इसमें, आप अंदाज के ही डालिएगा क्योंकि वेजिटेबल हम डाल रहे हैं ना इसमें तो नमक का जरूरत पड़ेगा। लेट्स गो। देख रहे हैं
इस तरह जाली जाली ये अंदर दिखने लगेगी आपको कि पलटने लायक हो गया है, तो पूरा अंदर होल होल सा हो रहा है, अंदर अच्छे से पक रहा है। तो अब इसे हम धीरे धीरे इस तरह से तो इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है, इस तरह आप थोड़ा थोड़ा आप ऑयल डाल भी सकते हैं या आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। तो अब इसे भी हम पलट देंगे। तो देखिए होल कैसे अंदर से हो गया है, तो दिख रहा है कि ये पक गया है अच्छे से अंदर से। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा इसमें पकने का जरूरत है। तो है ना, ये बहुत इजी और झटपट बनने वाला बच्चों का टिफिन का नाश्ता और आपका ब्रेकफास्ट, जैसे कभी अलग खाने का मन करे कुछ टेस्टी कुछ लाइट लाइट सा, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। इस तरह आप पलट पलट के इसको देख सकते हैं हो गया है। अब ये रेडी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के फिर आपको सर्विंग करके दिखाती हूँ। मैंने इसकी सर्विंग की है टमाटर की चटनी के साथ। मैंने यहाँ टमाटर की चटनी बनाई है, आप नारियल की चटनी मूंगफली की चटनी कुछ भी बना लीजिए, सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। तो गाइस रेसिपी बहुत ही अच्छी है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके अपना रिव्यू शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने बच्चों का भी रिव्यू जरूर बताइएगा उनको ये डिश कैसी लगी। अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देख रहे हैं गाइस पूरा वेजिटेबल से भरा हुआ ये नाश्ता बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही टेस्टी है गाइस, बहुत ज्यादा। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलिएगा तो फिर मिलते हैं ऐसे अमेजिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।